चार चार इंची के कार्डबोर्ड के मैंने चार पीस लिए हैं। कार्डबोर्ड अगर मोटा है तो आपको दो ही पीस लेने हैं। इनको मोटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फेविकॉल के साथ दो दो पीस को जोड़ दिया है। इसका साइज़ 4x4 है। इससे मैं बनाऊंगी डोर टैग। यहाँ पे मास्किंग टेप आती है किनारों को सीधा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप लगा दी है, ताकि इसमें जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो ना दिखाई दें। मास्किंग टेप नहीं है तो आप कोई भी प्लेन पेपर फेविकॉल की सहायता से चिपका सकते हैं। इस तरह से दो पीस मेरे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने लिए फेविक्रिल के कलर, इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी मैं। आप अपनी पसंद का कलर इस पर कर सकते हैं और इसकी जगह आप रेड भी ले सकते हैं। पेंट करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर डबल कोट भी करें। सूखने पर यह तैयार हो गया है। और अब मुझे यहाँ पे लेस लगानी है। ये लेस मेरे पास रखी हुई थी और इसके अंदर चाहे आप बाज़ार से भी खरीद के लाते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स निकले हुए होते हैं, उसका तो इलाज मैं आपको बता दूंगी। अब लेंगे थोड़े से शीशे जो आपको स्टेशनरी से मिल जाते हैं। हॉट ग्लू की सहायता से आप यहाँ पर इसको चिपकाएं। पीछे एक कमेंट आया था कि भाई हॉट ग्लू नहीं चिपकाती है। जब हॉट ग्लू बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें इससे काम करना है। अब ये लेस थोड़ी थिक है तो यहाँ पर देखिए फोल्ड नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी। एक दो स्टोन हटाते हुए इसको कट लगा दिया है। इसी तरह से इसको कवर कर लूँगी। आप चाहें तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, फेविकॉल से भी चिपक जाता है। बस आपको सूखने तक का इंतज़ार करना होता है। अगला क्राफ्ट आप तभी कर पाएंगे जब ये सूख जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स और मोती निकले हुए हैं तो मैं इसे वापस फेविकॉल से चिपका रही हूँ। लेस में से ही मैंने कुछ मोती और स्टोन्स निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने चिपका के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर शीशे लगाऊंगी। शीशे आप अपनी पसंद के लगा सकते हैं और फेविकॉल की सहायता से आप शीशे लगाएं। यहाँ पर हॉट ग्लू का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा नहीं रहता क्योंकि उससे फिनिशिंग नहीं आती है, और फिर हाथ के हाथ इसे साफ भी करते जाएं। फेविकॉल की जगह आप फैब्रिक ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशे आराम से चिपक जाते हैं। अभी तक आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो गैप आ गया है उसको कैसे फिल करेंगे ये भी बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने स्टिक ली है, ये मंडेला आर्ट की स्टिक है। आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, कुल्फ़ी खाने वाली स्टिक जो होती है उसको भी आप ले सकते हैं। वो राउंड होती है और उससे ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा लीजिए। नहीं तो हम ईयरबड से भी ऐसे सुंदर डॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पहले से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर ही अंदर शुभ लाभ लिखना है। आप चाहें तो रेडीमेड शुभ लाभ बने बनाए आते हैं, आप उसको भी चिपका सकते हैं। ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बंधन बार कैसे बनाते हैं, अंगूर गुच्छा कैसे बनाएं घर पर, बिना मोती के गोटा मोती कैसे बनाएं, तो इस सभी आइडिया देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर विज़िट करना होगा और वहाँ आपको बहुत सारी आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। और वेस्ट मटेरियल से हम कैसे यूज़ कर उससे अपने बंधन बार में या क्राफ्ट के अंदर या होम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी पूरी वीडियो है। और किस तरह से हम अपने बचत कर सकते हैं सस्ता सामान खरीद कर, और कहाँ से हमें लेने चाहिए सस्ता सामान, लेस, बॉर्डर, शीशे, उसकी भी जानकारी कई वीडियो में मैंने दे रखी है। लेस वैसे तो बड़ी दुकानों पर महंगी आती है, जो भी आपके घर के आसपास साप्ताहिक मार्केट लगती है वहाँ पर अगर आप लेस लेंगे तो आपको वो सस्ती पड़ती है और आपके बजट में भी रहती है। चाहे तो आप इसे कलर से लिख कर छोड़ सकते हैं या फिर इस पर मोती, हाफ राउंड मोती आते हैं उनको चिपका कर इसे और सुंदर बना सकते हैं। आप मोती नहीं चिपकाना चाहते तो आप शीशे भी लगा सकते हैं। बहुत छोटे साइज़ के शीशे आते हैं, आप उनका यूज़ करके भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
लास्ट में मैंने यहाँ पर लिया है अंगूर गुच्छा जो कि मैंने खुद से बनाया है। इसकी डोरी थोड़ी सी छोटी है। डोरी बढ़ाने के लिए मैंने एक नॉर्मल धागा इसके सिरे पे बांध दिया है और इस तरह से गोटा मोती के अंदर पिरो लिया है। और गोटा मोती घर पर कैसे बनाएं इसकी वीडियो है पूरी, आप वो देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने हॉट ग्लू से, चाहे ग्लू से चिपकाएं या टेप से चिपकाएं, इस तरह से नीचे की ओर चिपका दिया है। इसी तरह से इसको भी हम इसी तरह से एक्सटेंड करके इस गोटा मोती में से निकाल लेंगे और फिर अपने इस डो टैग के नीचे लगा देंगे। अब यहाँ पर जो सिरे पे कैप रह गया है उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी शीशे। तो शीशे आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं, या आमी शेप के आते हैं वो आप कैरी जिसे कहते हैं, कैरी शेप के शीशे आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको सही लगे आप वो लगाइए। यहाँ पर देखिए गैप जो है इसी को हम भरेंगे। यहाँ पर इतना पतला शीशा तो आता नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर राउंड शीशा जो है हॉट ग्लू से चिपकाएंगे। इस तरह से मेरे ये डोर टैग तैयार हो गए हैं और अभी थोड़ा सा काम बाकी है। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर डोरी बांध सकते हैं, नहीं तो टू साइडेड टेप आती है उन टेप को भी हम यहाँ पर पीछे चिपका लेंगे ताकि हमको ये डोर पर लगाते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मेरा ये शुभ लाभ झटपट घर पर तैयार हो गया है। यकीन माने बाज़ार में ये बहुत महंगा मिलता है और घर पर हमने बहुत कम दामों पर ही तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह के क्राफ्ट को घर में ट्राई कीजिए और इस दिवाली पर अपने डोर पर लगाइए। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। बाय बाय।